इंसान का किया हुआ कोई भी काम इस कैमरे से बच नहीं सकता। अगर कोई शख्स चल रहा है स्क्रीन पर इसके चलने का टेक्स्ट नजर आएगा, अगर कोई इंसान बोल रहा है तो उसके बोलने का टेक्स्ट नजर आएगा। ये डिवाइस रिसर्चर्स ने कैसी महारत से बनाई आप भी देखिए। डिकैप्शनिंग से मुराद है कि हम वीडियो स्ट्रीम से टेक्स्ट को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर ये है कि हम वीडियो से डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ह्यूमंस के और सीन के एट्रीब्यूट्स निकालते हैं। लाइक अगर ह्यूमन की बात करें तो उसमें ह्यूमन का जेंडर, ह्यूमन के इमोशंस, ह्यूमन के जो एज है उसको निकालते हैं। उसके बाद हम उसकी एक्टिविटी जो कि बॉडी से रिकॉग्नाइज होती है, उसके बाद हम विजुअल सीन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद हम एक नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू हम उसका एक टेक्स्ट जनरेट करते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर हम बात करें कि एक सीन की जिसके अंदर एक ह्यूमन है, वो उसकी जेंडर जो है वो फीमेल है, एज उसकी ओल्ड है, ठीक है, और उसके इमोशंस हैं हैप्पी है और वो चल रहा है, वॉकिंग उसकी एक्टिविटी रिकॉग्नाइज हो रही है, तो हम उसको टेक्स्चुअल डिस्क्रिप्शन में इस तरह करेंगे कि एन ओल्ड वूमेन इज वॉकिंग। दो तरह की एप्लीकेशन बनाई हैं, एक स्टैटिक कैमरा के लिए, एक डायनेमिक कैमरा के लिए। स्टैटिक कैमरे के लिए ये कि हम किसी भी जगह, हमारे जो सिक्योरिटी कैमराज होते हैं, सर्विलेंस कैमराज होते हैं, उनके अंदर हम इनको एम्बेड इनको डिप्लॉय करते हैं। उसके अंदर ये कि हम डिफरेंट जो है टाइम लैप्स के दौरान हम उनकी एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट जनरेट करने से मुराद ये है कि हम एक जगह पर सिक्योरिटी कैमरे को डिप्लॉय कर दिया, 3 घंटे के लिए वहाँ डिप्लॉय हुआ, तो वो उसकी टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन को जनरेट करेगा कि यहाँ कौन कौन सा ह्यूमन आया है, ठीक है, क्यों क्या क्या उसने एक्टिविटी की है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करके उसकी एक रिपोर्ट जनरेट कर देता है। रिपोर्ट के लिए लोकेशन का सबसे बड़ा मसला जो है कि स्टैटिक कैमरे के लिए तो हमें पता होता है कि कहाँ हमारा स्टैटिक कैमरा जो है वो लगा हुआ है। अगर हम डायनेमिक कैमरे की बात करें लाइक रोबोट की, सर्विस रोबोट की, तो उसके अंदर हमने लोकेशन के लिए हमने एक तो हमारे पास ऑप्शन था GPS का, हमने उसके अलावा एक VPS विजुअल प्रोसेसिंग सिस्टम का किया कि इसके अंदर हम डिफरेंट जो बिल्डिंग्स होती हैं, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें हमारी, तो हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है, हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं और उससे हमने अपने रोबोट को लोकलाइज करते हैं कि वो किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है।